हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीनोमियल्स। तो इससे पहले जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 1, दैट वाज रियल नंबर ऑफ क्लास 9। तो इस पे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को पर्सनली मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल इन पॉलीनोमियल किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं कोई भी टॉपिक को एकदम बेस से शुरू करता हूँ, उसके बाद हम धीरे 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 अपने कोर्सेज और अपने टॉपिक्स पे आते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। एंड ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो सिर्फ क्लास 9 के लिए ही नहीं है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसको अपना बेसिक क्लियर करना है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल किसे कहते हैं। There are two different terms, constant and variable. Constant का मतलब एक word आता है, that is fixed. Constant का मतलब क्या हो गया? Fixed. और variable का मतलब क्या हो गया? Vary करना। इसको बोलते हैं symbol having fixed न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ये क्या है? एक सिंबल है हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल में 3, 4, -5, 4/9, ठीक है। दिज ऑल आर व्हाट? कॉन्स्टेंट। ओके, ये सारे कॉन्स्टेंट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x इज इक्वल टू वन रखा। तो यहाँ पर x क्या है? x वेरिएबल है। कब तक? जब तक कि हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम हो, ठीक है, तब तक ये क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज। लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू आ गया, वन आया, एंड वन ही सिर्फ आया, है ना, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया? फिक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू वन। तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट बोलेंगे, ठीक है, हम इसको कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। बात करते हैं वेरिएबल की, लेकिन यहाँ पर ये x क्या है? x वेरिएबल है, 1 इज न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में वैल्यूज जो है वैरी करता है। वेरिएबल किसे कहते हैं? सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमें मालूम है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है, 2πr। यहाँ पर तुम देख सकते हो दिस 2 इज व्हाट? 2 कांस्टेंट है, पाई क्या है? पाई का भी वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो ये भी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो c और r जो है, ये दोनों क्या होगा? c एंड r दोनों ही वेरिएबल होगा। वाई? बिकॉज इन दोनों का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। जैसे r के जगह पे r जो रेडियस है, दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 2, दैट कैन बी रिटन एज 3, 4, 100, कुछ भी लिखा जा सकता है। और जो ये यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये c जो है इस पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेगा तो इसका भी वैल्यू चेंज होगा,
सर्कमफेरेंस जो है, सर्कमफेरेंस का भी वैल्यू चेंज होगा, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि सी एंड आर वॉट वेरिएबल, ठीक है, क्यों, इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, वही बोला है, सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे r है तो r इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, ये वैरी करेगा, और ये यदि वैरी करेगा तो सर्कमफेरेंस ऑटोमेटिकली वैरी हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है r पे ही डिपेंड करेगा, r जैसे जैसे तुम चेंज करोगे इसका वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो आई होप आपको कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, या फिर मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि मैं आगे भी इस टाइप के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे।